वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आज सॉलिड ब्लॉक के ऊपर बात करेंगे और सॉलिड ब्लॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से कि कैसा काम का जो क्वालिटी है हमारा वो जबरदस्त है। और इसी तरीके से हम लोग ब्रिक ना यूज करते हुए सॉलिड ब्लॉक यूज करें ताकि लीकेज वगैरह ना। तो सॉलिड ब्लॉक सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड ब्लॉक अपना जो आता है वो आता है 400x200x150 का, तो वो साइज चेक कर लेना जब सॉलिड ब्लॉक आप ऑर्डर कर रहे हैं। क्वांटिटी आपको निकाल के ऑर्डर करना है और आके कैसे मटेरियल चेक करना है सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, जो मैं आपको एक प्रीव्यू बोल रहा हूँ। चलो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज के लिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा आपके पास है तो खर्चा करने के लिए आप सॉलिड ब्लॉक यूज कीजिए ताकि आपका जो ब्लिम टीम के ऊपर बांधकाम वो जबरदस्त हो, उसका मतलब स्ट्रेंथ रहे, मजबूत रहे उसको, और लीकेज वगैरह ना हो अगर आपका थोड़ा अप डाउन है लेवल प्लिंथ का। तो ये अपना सॉलिड ब्लॉक है, ओके। इसमें पोरस नहीं होना चाहिए, चेस्ट के हाइट पे लेके उसको उठा के आपको पटकना है, अगर टूट गया तो अच्छा नहीं है आपका। और जो छोटा वाला खड़ी आता है उसका मिक्स बनता है, अगर इसके अंदर फ्लायश ज्यादा है तो फ्लायश के हिसाब से, अगर फ्लायश वाला है तो टूट जाएगा, सीमेंट वाला है तो नहीं टूटेगा, ओके। पोरस नहीं होना चाहिए, कम से कम 18 किलो का होना चाहिए, याद रखिए 18 केजी से कम नहीं होना चाहिए सॉलिड ब्लॉक। 400x200x150 का साइज रहना चाहिए, 400, 200, 150, ओके। ये हो गया अपना सॉलिड ब्लॉक का, इसका सॉलिड ब्लॉक का जो आपका साइज वगैरह और चेक करना है कैसे क्या क्या चेक करना सॉलिड ब्लॉक के अंदर। अब चलते हैं बांधकाम के ऊपर कि बांधकाम में क्या चीजें क्या क्या ध्यान देना है। ड्रॉइंग रीडिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्राइंग रीड करना है और कैसे आप सॉलिड ब्लॉक का बांधकाम करेंगे, क्या क्या चीज आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, ओके। तो ये देखिए, ये हमारा प्लिंथ बीम हो गया, सब कुछ हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग प्लान देख लेते हैं, ओके। तो अपने पास सॉलिड ब्लॉक आ गया, देखिए वहां पे सॉलिड ब्लॉक अपना आ गया, मटेरियल क्वांटिटी के हिसाब से अपने ऑर्डर कर दिया। सॉलिड ब्लॉक यूज करना है, ब्रिक भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन सॉलिड ब्लॉक बहुत जबरदस्त चीज है, उसे सीपेज वगैरह नहीं होता, इसलिए हम लोग सॉलिड ब्लॉक यूज कर रहे हैं। और उसके बाद जब भी आपको ब्लॉक यूज करना है तो आपने क्वांटिटी निकाला और जो आपका बांधकाम होगा, जैसे ये फेज है हमारा, ये फेस से हम वहां पे मेजरमेंट लेके उसको छापकाम करेंगे सबसे पहले, तो वो ड्राइंग के हिसाब से आपको करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो ड्राइंग है, ये हैच मैं आपको पहले भी बताया था, ये बांधकाम का हैच है, ये देखिए। तो ये ड्राइंग रीडिंग के साथ एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये बांधकाम है, ये बांधकाम है, मतलब ये वाले कॉलम पे बांधकाम आएगा आपका, ये वाले कॉलम पे आएगा, वो वाले कॉलम पे आएगा, जो भी पोडियम कॉलम्स है सारे पे बांधकाम मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, तो वो आपको चेक कर लेना है कि कौन से फेज में आ रहा है। मैं आपको अगर दिखा पाऊं तो ये देखिए, ये कॉलम के पीछे वाले फेस में बांधकाम आ रहा है, ना कि ये वाले फेस में। तो ये सारी चीजें और ये मेजरमेंट आपको मिलना चाहिए, ये मेजरमेंट मिलना चाहिए, ये मेजरमेंट मिलना चाहिए, मतलब जो आपका गाला है, जो आपका शॉप है यहाँ पे, चलो मान लीजिए शॉप है, तो वो शॉप आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फेज में था बीम के आपने ये फेज में कर दिया, या ये फेज में था आपने वो फेज में कर दिया। तो ये इधर साइड से आपको फेज से यहाँ से मापी चेक कर लेना है, वहां से मेजरमेंट चेक कर लेना है, ताकि आपका पहले छापकाम करके प्रॉपरली, छापकाम मीन्स आपका नीचे का एक लेयर है वो लेयर करके पहले चेकिंग कर लेना है कि आपका मेजरमेंट सारा मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर आप मूव फॉरवर्ड करें और उसके बाद ऊपर का थर करें। जो भी आपका, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये बांधकाम है, ये बांधकाम है, ये बांधकाम है, ऐसा बांधकाम है, तो जैसा भी बांधकाम है, ये एरिया में हम लोग बांधकाम कर रहे हैं, तो जो भी आपका लेआउट है पहले लेआउट कर लीजिए, छापकाम कर लीजिए, उसके बाद वो आपका अपना सॉलिड वर्क का ब्लॉक वर्क आपका चालू होगा, ओके। अभी चलते हैं मोटार के ऊपर। मोटार कैसे करेंगे कि आपका 1:4 का रेशियो तो कॉमन है, सब जगह यूज होता है, तो रेशियो आप यूज करने के बाद, अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पीपीसी सीमेंट तो यूज करना है आपको, ये सबसे पहली बात, पीपीसी सीमेंट यूज करना है, ये याद रखिए। उसके बाद हम लोग के पास क्रसेंट रिवर्सेंट दोनों है, तो हमने 50-50% लिया है, मतलब अगर 1:4 का रेशियो है, 50 केजी का सीमेंट है, तो 200 किलो आपको सैंड चाहिए, तो 200 किलो सैंड, 200 किलो में 100 किलो आपका क्रसेंट है और 100 किलो आपका रिवर्सेंट है, ओके। तो ये देखिए, ये हम लोग बांधकाम किए हुए हैं, लेआउट करने के बाद, पूरा चेकिंग करने के बाद हम लोग इसको किए हुए हैं, और उसके बाद दो थर उठा सके, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 4 थर कर सकते हो, 5 थर, उसके बाद आपका पार्टी आ जाएगा, बट हमारा लेवल वही मैच तक है, तो लास्ट थर छोड़ के रखना है, उसके बाद पूरा छापकाम के साथ ऊपर उठा लेना है, ओके। सांदा भी ज्यादा बड़ा नहीं करना है, और ये जो बॉन्ड है आपका, ये देखो ज्वाइंट एक जगह नहीं आना चाहिए, ज्वाइंट अलग अलग आना चाहिए, एक जगह ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, देखिए कैसे वहां पे ज्वाइंट अलग 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 है, और सांदा कटिंग कर देना है, प्लस लाइन और ओलंबे में रहना चाहिए, जो मैं आपको बताया था मूलियन कॉलम के बारे में। ये देखिए, देखिए यहाँ पर हमने मूलियन कॉलम छोड़ा हुआ है, अभी इसको हम लोग शटरिंग करके रिंग बांध के अच्छे से कॉलम भर देंगे जहां तक आपको हाइट लेना है। देखिए हम लोग वो छापकम किया हुआ है, लेआउट पूरा हो गया है,
अभी उसके ऊपर वो कॉलम के टॉप तक आपको पानकाम कर लेना है। जैसे वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा है वैसी वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के ऊपर से एक थर छोड़ के आपको पूरा पानकाम कर लेना है। ओके, वहाँ भी देखिए मुलेन कॉलम छोड़ा हुआ है, देखिए हमने 4 मीटर में छोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो पानकाम है वो क्रैक हो जाएगा अगर लंबा है तो, ये याद रखिये। और चाल छोड़ना है आपको, देखिए ये साइड में आपको दिखा दूं कि अगर आपका आगे भी बांधकाम है, ये देखिए यहाँ पे भी हमारा बांधकाम है, तो हमने क्या किया थोड़ा चाल छोड़ दिया, और वहां भी देखिए जिगजैग मैनर में हमने किया है। ऐसा नहीं है कि, ये याद रखिए कि फेस में आपको यहाँ टच करके ब्लॉक नहीं लगाना, जैसे वहां का बांधकाम था हमने अंदर डाला है उसका ब्लॉक, तो ये इंटरकनेक्टेड हो गया और बांधकाम थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। वहां भी देखेंगे हम लोग अंदर डाले हैं चाल छोड़ने के बाद, फेस नहीं करना है, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है बांधकाम, और स्ट्रांग बॉन्डिंग के लिए आपको चाल छोड़ के रखना ताकि आपका बांधकाम प्रॉपर हो। और रेशो मैंने बता दिया, उसके बाद आपका जो कटिंग वगैरह है वो लास्ट में नहीं आना चाहिए, उस वहाँ पे अखा आना चाहिए, टॉप पे भी कटिंग नहीं आना चाहिए, बॉटम में भी कटिंग नहीं आना चाहिए, कटिंग आप मिडल में एडजस्ट कीजिए, और जो आपका इन बिटवीन आता है उसमें एडजस्ट कीजिए कटिंग वगैरह, ना टॉप में एडजस्ट करना, पूरा प्रॉपर रहना चाहिए, सांदा अलग अलग रहना चाहिए, रेशो वगैरह और सुपरविजन है वो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज सुपरविजन में आपका क्या होगा, कहीं से भी थोड़ा सा भी आप अगर भटके तो आपका बांधकाम गलत हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, आपका घर बनवा रहे हैं या आपका साइड पे काम कर रहे हैं तो प्रॉपरली काम कीजिए इसी तरीके से, तो क्या आपको जो एग्जीक्यूशन है जो घर बने वो अच्छे से बने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए।